हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चिटचैट विद नीलम में। और आज का ये वीडियो एक ऐसे हिबिस्कस प्लांट के बारे में है जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो इसी प्लांट के विषय में आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी जानकारी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है। वाइट कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं इसमें। ये देखिए, रात को बारिश आई है ना, बहुत तेज़ बारिश आई है, हैवी रेन के कारण ना ये जो बर्ड्स थी इसकी, उसके ऊपर बारिश करने के कारण वो ख़राब हो गई है। ये देखो है ना, कितने प्यारे ब्लूम्स आ रखे हैं इस पर, कितने फ्लावर्स आए हुए हैं इसमें। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हम हिबिस्कस प्लांट की इसकी केयर कैसे करें और इस प्लांट से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लावर्स कैसे पाएं। तो फ्रेंड, ये हिबिस्कस का जो प्लांट है कॉमन प्लांट होता है, सभी लोग इसको जानते हैं और ये एक पेरिनियल प्लांट है, पूरे साल चलता है। तो इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। ये मेरा जो प्लांट है ये 6 महीने पुराना प्लांट है, ये मेरा हिबिस्कस का। और देखो इस छोटे से प्लांट पर भी कितने प्यारे फ्लावर्स आए हुए हैं। और ये जो प्लांट है ना, ये मैंने जब लिया था, जब ये छोटा सा था, इसमें फ्लावर्स तभी से आ रहे हैं, यानी कि एक दो करके फ्लावर्स जो है ना इसमें कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कई हिबिस्कस प्लांट ऐसे होते हैं कि कभी फ्लावर्स आते हैं तो कभी नहीं आते हैं, लेकिन इसमें जो है प्लांट जो है कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इसमें ये भी नहीं है कि जैसे कि बर्ड्स आती हैं और बर्ड्स गिर जाती हों, इस वाले प्लांट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूसली ब्लूम्स अच्छे दे रहा है ये वाला प्लांट। तो जानते हैं हम इसकी देखभाल कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, हिबिस्कस के जो प्लांट्स होते हैं सन लविंग प्लांट्स होते हैं, हीट को सन को ये टॉलरेट कर लेते हैं, तो धूप में ही नहीं रखा जाता है क्योंकि। तो मेरा भी ये जो प्लांट है ना, ये फुल डे की सनलाइट में रहता है, पूरे दिन धूप में ही रखा रहता है ये, और अच्छे से ग्रो कर रहा है ये धूप में। सॉइल जो है इसकी वो ऐसी बनाएंगे जिसमें कि वाटर लॉगिंग ना हो। तो इसमें जो है सॉइल, सैंड, कंपोस्ट बराबर मात्रा में जो तैयार होता है मिक्सचर, वैसा ही मिक्सचर इसके पॉट के लिए भी तैयार करेंगे। और वाटरिंग इसमें हम तभी करेंगे जब सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो सूख जाए, गीले गीले में ही वाटरिंग नहीं करते रहना है इसमें। अभी हमारे यहाँ तो क्या सभी जगह खैर बारिश चल रही थी, तो ये देखो इसकी जो सॉइल है ना गीली गीली हो रखी है, वाटरिंग वगैरह मैंने इसमें नहीं की है अभी भी। जो गुड़ाई है इसकी गमले में, जो गुड़ाई है वो हम 15 दिन में एक बार करते रहेंगे। और इसमें जो एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह उगाती है ना, ऐसे घास फूस उगाती है, वो रिमूव करते रहेंगे गमले में से, ताकि जो प्लांट है ना और जो रूट्स हैं उसमें अच्छे से एरेशन हो सके। और फर्टिलाइज़र देखें अगर इसकी, तो फर्टिलाइज़र में हम इसकी जो है काओ डंग या फिर वर्मी कंपोस्ट और वो दे सकते हैं 1 सिनामंथ। और इसके अलावा जो है हम इसमें रेन में खैर नहीं देते हैं, मैंने भी इसमें कई महीने से ऐसी कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी है, लेकिन हाँ लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसको देती रही हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप इसमें जो है जो कंपोस्ट जो हम बनाते हैं वो दे सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा काम करता है इन प्लांट्स के लिए, कंपोस्ट बहुत ही अच्छा काम करती है। और अनियन पील फर्टिलाइज़र जो होता है लिक्विड वो दे सकते हैं। बारिशों में भी जैसे कि जब बारिश हो रही है और मिट्टी अगर गीली है तब तो हम खैर नहीं देते हैं इसमें पानी, लेकिन जब मिट्टी इसकी सूख जाती है, जब हमें देना है इसके अंदर पानी देना है, तब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हैं। और मैं इसमें राइस वाटर भी ऐड करती हूँ, राइस वाटर देती हूँ मैं इसमें। और ये वाली जो सारी लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं ना, ये ऐसे हम 15 दिन में एक बार दे सकते हैं, जैसे कि कभी हमने कंपोस्ट ही बना के दे दी, कभी 15 दिन में हमने एक बार इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र दे दिया, कभी अनियन पील फर्टिलाइज़र दे दिया। और मैं तो इसमें वैसे ना राइस वाटर जो होता है, जैसे कि चावल बनाते हैं और चावल बनाने के लिए जब हम राइस को बनाने के लिए जब हम भिगोते हैं और उसका जो वाटर निकल कर आता है वॉश करने के बाद, तो उसको कलेक्ट करती रहती हूँ। और उसको कलेक्ट करने के बाद मैं इसमें अक्सर दे ही देती हूँ वाला वाटर जो होता है इसका, उससे बहुत अच्छा मेरे प्लांट की जो ग्रोथ है ना बहुत अच्छी निकल कर आई है। आप देख पा रहे होगे
काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ ना निकल के आई है। इसमें कितनी सारी बर्ड्स भी हैं, ये देखो इसकी हर स्टेम पर बर्ड्स हैं, ये देखिए। और फ्लावर्स भी देख लीजिए कितने सारे हैं। तो राइस वाटर जो अच्छा काम करता है इसमें, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, मैक्सिमम फ्लावर्स के लिए। और इसमें जो डिजीज़ लगती है ना, इसमें एक तो स्पाइडर माइट्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एक मिली बग इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो मिली बग हो गया या स्पाइडर माइट्स हो गया, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इसमें, या कोई सा भी अच्छा फंगीसाइड है मार्केट से लेकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसकी सॉइल में भी हम ऐड कर सकते हैं, सॉइल में ऐड करेंगे तो रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट में जाएगा और इसकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। मैं खैर इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सारे अभी तक तो खैर नेचुरल फर्टिलाइज़र ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें नीम ऑयल का ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें स्प्रे करती हूँ। और प्रूनिंग तो इसकी टाइम टू टाइम हमें करनी ही है, टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। जब इसके फ्लावर्स स्पेंट हो जाते हैं ना, तब हमें इसके फ्लावर्स को ना ऐसे लगा नहीं छोड़ देना है, फ्लावर्स को लगा नहीं छोड़ देना है। जब भी आप अपने प्लांट के पास आओ, आप इसमें देखो कि फ्लावर्स इसके स्पेंट हो गए हैं, तो आप उसको तुरंत रिमूव कर दो, क्योंकि ना तो मुरझाए हुए फ्लावर्स जो होते हैं हमारे वो प्लांट पर अच्छे लगते हैं, और जो प्लांट की एनर्जी होती है ना वो भी फिर मुरझाए हुए जो फूल होते हैं, स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, उस पर वेस्ट होती है। इससे बढ़िया प्लांट की वो एनर्जी जो होती है ना, वो प्लांट में नई नई बर्ड्स को क्रिएट करने में, नई नई बर्ड्स प्रोड्यूस करने में काम आएगी, और उसी से फिर हमारी बर्ड्स भी ज़्यादा होंगी और हमारे फ्लावर्स भी मैक्सिमम क्वालिटी में होंगे, और हमारा प्लांट जो है वो ब्यूटीफुल फ्लावर से हमेशा भरा रहेगा। इसका प्रोपेगेशन जो है फ्रेंड्स, वो मैंने अभी तक खैर किया नहीं है, मैं जब भी इसका प्रोपेगेशन करूँगी तो मैं आपके साथ इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट की जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ना हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।